प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे प्रभात खबर, मैं हूँ आपके साथ रितु सुमन। भारत में कोरोना महामारी का जबरदस्त असर हुआ है। इसका एक प्रभाव देश में रहने वाले लोगों की आयु पर भी पड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज यानी IIPS की एक स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से लोगों का जीवन काल या जीवन प्रत्याशा अब लगभग 2 साल कम हो गई है। IIPS की ये स्टडी देश में COVID-19 से मृत्यु दर के पैटर्न में क्या बदलाव आया है ये जानने के लिए की गई थी। रिसर्च में कहा गया है कि पुरुषों का जन्म के समय से लेकर जीवन काल 2019 के 69.5 साल औसत से घटकर 2020 में 67.5 रह गया है। महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 2019 में 72 साल से घटकर 2020 में 69.8 साल रह गया है। इस स्टडी में अलग अलग आयु वर्ग के जीवन काल में आए बदलाव पर भी नजर डाली गई। पता चला कि 35 साल से 69 साल के एज ग्रुप में पुरुषों के मरने की दर सबसे ज्यादा थी। तो आइए जानते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब उस औसत समय काल से होता है जितने वक्त तक एक नवजात के जीने की संभावना होती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि बाकी की परिस्थितियाँ भविष्य में वैसी ही बनी रहे। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोविड के चलते पिछले सालों के मुकाबले कई ज्यादा मौतें हुई हैं। केंद्र सरकार के अनुसार मार्च 2020 से अब तक 4.5 लाख मौतें हो चुकी हैं। हालांकि डेटा स्पेशलिस्ट ने कई बार दावा किया है कि भारत में महामारी के चलते इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन उनके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देश दुनिया की दूसरी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।